Hi guys, I am Shahzad Ahmed from shakezi.com and welcome in lecture number 98. हम सेंचुरी बनाने के बहुत करीब हैं, तो स्टार्ट करते हैं. आज हम जो है कॉल बैक्स हैंडलर्स देखते हैं. जैसे कॉल बैक्स आपने फंक्शन देखे थे, जैसे जैसे ही ये सक्सेस होगा, क्या जहां से ये फाइल आ रही है, जैसे ही सक्सेस होगा तो फंक्शन चलेगा एंड देन आपको डेटा मिल रहा है. ठीक है, ऐसे ही हम कॉल बैक फंक्शंस देखते हैं यूजिंग एजेक्स. हम यहाँ पे आते हैं एंड लिखते हैं shakezi.com. है जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर आपकी फंक्शनैलिटीज जो है ऐड हो रही हैं एंड आप की वैल्यूज जो है home.php की तरफ से ही आ रही है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस फिलहाल तो जो है वैल्यू प्रॉपर आ रही है, हमें पता है कि प्रॉपर आ रही है. बट अगर कोई एरर हो, बट कोई अगर आपने एरर दिखाना है कि फाइल उसे एग्जिस्ट नहीं मिली, तो यूजर को कुछ तो आपने दिखाना होगा ना कि भाई एरर अकर्स, या जो है प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज टेल अस, प्लीज फीडबैक इफ यू हैव अ प्रॉब्लम्स. तो जैसे आप चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं. तो हम यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं कि एजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है. यहाँ आते हैं एंड हम एरर, ठीक है, एंड जैसे ही एरर हो तो कॉल बैक फंक्शन हम चलाते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए अलर्ट करवा देते हैं कि भाई समथिंग रॉन्ग, प्लीज टेल अस, वट एवर जो भी आप लिखना चाहें. वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड shakezi.com लोड करते हैं. प्रॉपर फाइल लोड हो रही है, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, डेटा हमें मौसूल हो रहा है, मिल रहा है. बट क्या हुआ अगर मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे फाइल ही ना दूँ. फॉर इंस्टेंस होम की फाइल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट डॉट पी एच पी, बिकॉज अब उसे फाइल नहीं मिल रही. एंड आप यहाँ भी देख सकते हैं यूज़र कभी भी जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं करेगा. एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद वो ये चेक नहीं करेगा कि उसे फाइल मिल रही है या नहीं मिल रही. ठीक है, जैसे ही आएंगे हम लिखते हैं shakezi.com एंड जैसे ही लोड करते हैं तो देखें यूजर एरर तो यहाँ भी जनरेट हो रहा है, लेकिन यूज़र कभी भी यूज़र को कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कोई चीज़ होती है एंड देन मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये, बिकॉज आप डेवलपर हैं, आपको पता है, आपके माइंड में बात आती है कि नहीं यार मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है करने के बाद चेक करूँ कि कंसोल में जाने के बाद कि मुझे एरर क्या मिल रहा है. बट जो है आपका यूज़र कभी भी ऐसा नहीं करता. सो दैट्स वाई आप ऐसे उसे एरर दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, हमारा सर्वर डाउन है, या वट एवर जिस टाइप का एरर अक्कर हो रहा है उस टाइप का आप एरर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग एरर कॉल बैक फंक्शन. जैसे ही क्लिक करते हैं आपको बिल्कुल प्रॉपर शो हो रहा है, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको पता है कि हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी में जो हमारी मेन फाइल है वहाँ पे हमने एक डिव बनाई हुई है कॉल बैक के नाम से, जो सक्सेस होने के बाद डेटा हमें यहाँ मिल रहा है. तो जाहिर सी बात है हम यहाँ भी तो प्रिंट करवा सकते हैं. ठीक है, फीडबैक डॉट एच टी एम एल लिखें, डॉट टेक्स्ट लिखें, आप पर डिपेंड करता है दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता है. मैं डॉट टेक्स्ट लिख देता हूँ. ठीक है, जो डेटा हमें मिल रहा है, या सॉरी डेटा मिल नहीं रहा, हम खुद ही एरर जनरेट करवा रहे हैं. ठीक है, समथिंग रॉन्ग कॉलन बेस्ट प्रैक्टिस है एंड वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे हम एंड यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं कि भाई shakezi.com, क्लिक करते हैं तो देखें आपको बता रहा है समथिंग रॉन्ग, यहाँ भी बता रहा है. एंड आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड नहीं हो रही कंसोल में, वो कह रहा है कि 404 नॉट फाउंड, आप जो बता रहे हो फाइल वो हमें नहीं मिली. ठीक है, वापस जाएंगे आप, वापस जाने के बाद आप इसे होम जो आपकी एक्चुअल फाइल है जो एग्जिस्ट है आपकी फोल्डर के अंदर होम डॉट पी एच पी, वही उसी का हम जो है वो पाथ देते हैं एंड उसी फाइल का नेम देते हैं. वापस आते हैं एंड shakezi.com लिखते हैं एंड लोड करते हैं तो आपकी फाइल प्रॉपर जो है वो लोड हो रही, आपका डेटा जो है प्रॉपर सेंड हो रहा है एंड वहाँ पे आप एको करवा रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे आपको प्रिंट हो रहा है एंड यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं आ रहा. तो जाहिर सी बात है आप चीज़ें ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं एंड बिल्कुल ऐसे ही मैनेज होती हैं चीज़ें. ये तो एरर है आपका, आप यहाँ पे जो है वो डॉट सक्सेस भी लगा सकते हैं जब
सक्सेस हो तो आपका जो है मैसेज यहाँ आए, एंड या तो आप कंप्लीट कंप्लीट भी लगा सकते हैं। जैसे ही कंप्लीट हो तो कॉल बैक का हमें फंक्शन चले एंड देन डेटा मैसेज आपका यहाँ आएगा। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये कंप्लीट और सक्सेस क्या है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये सक्सेस, जब एजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ से हमें, जैसे ही रिक्वेस्ट प्रॉपर सेंड होती है, डेटा सेंड होता है, तो वहाँ से हमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी, बिकॉज हम विदाउट रेफ्रेश की चीज़ें गेट रिट्रीव करवाते हैं पीएचपी से। जाहिर सी बात है पीएचपी कनेक्ट होता है डेटाबेस से, तो आप पीएचपी कह लें, डेटाबेस कह लें, तो वट एवर, ठीक है। तो ये सक्सेस, जब सक्सेस होगा प्रॉपर, कोई एरर जनरेट नहीं होगा, ये तब आपका डेटा सेंड होगा। ऐसे ही है ये, जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है, एरर जो है एजेक्स की रिक्वेस्ट हम जनरेट करते हैं, अगर उसमें कोई एरर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एरर जो है, एरर की फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, एंड देन जब कॉल बैक फंक्शन चलता है तब हमें एरर प्रिंट करवा रहे हैं। हम आते हैं सक्सेस एंड कंप्लीट की तरफ। अब कंप्लीट ये है कि चाहे एरर हो, मींस जो ऊपर रिक्वेस्ट हो रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर एरर आएगा तब भी वो यही बताएगा कि भाई कंप्लीट हो चुकी है। सक्सेस में कोई एरर नहीं हुआ, आपका प्रॉपर जो है फाइल लोड हुई, एंड देन जो है उसके बाद में आपका प्रॉपर विदाउट एरर के आपको सक्सेसफुली जो है वो प्रिंट करवाना है, तो वो यहाँ करवा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें वो चीज़ों को मैनेज करवा सकते हैं, जैसे ना चाहें तो ये आप पर डिपेंड करता है, बिकॉज ये आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड बिल्कुल अपनी कीमती राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम एरर जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, हालांकि एरर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे जो जो है वो कंप्लीट है, वहाँ पे नो बता रहा है, हमने अलर्ट किया हुआ है, बिकॉज हालांकि एरर भी हमें आ रहा है। तो ये तो एरर का हमें मैसेज शो हो रहा है, एंड देन जो है ये जो यहाँ पे आ रहा है वो उसका शो हो रहा है। ठीक है, वापस जो है वो चीज़ें मैनेज करेंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, यस अली, आप देखें यस भी आ रहा है आपका एंड नो भी आ रहा है, बिकॉज रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट भी हो रही है, जाहिर सी बात है, पर ये अलग बात है कि आपका एरर कोई नहीं आ रहा, दैट्स वाई ये भी आपका रन हो रहा है, एंड देन सक्सेस होने के बाद ये भी रन हो रहा है। तो चीज़ें आप जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड हमने वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स इसी वजह से दिए हुए हैं जस्ट आपके लिए, कि आप हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किए हैं आगाह करेंगे, एंड हमें उम्मीद है कि आप चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, एंड आपको प्रॉपर जो है वो समझ में भी आ रही हैं चीज़ें, बिकॉज जब तक आप हमें फीडबैक नहीं करेंगे, हम बार 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 यही कह रहे हैं कि आप हमें फीडबैक दें, ताकि आपको, हमें पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।